वेलकम बैक ओल्ड बुक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकैड चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर चैनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या है ये? कोरोना से है बचना तो सोशल डिस्टेंसिंग को है रखना। क्या है सोशल डिस्टेंसिंग? क्या है सामाजिक दूरी का सही फार्मूला? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सिर्फ खुद को समाज से दूर रखना मात्र है? आइए जानते हैं सही फार्मूला क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का गोलू और शर्मा जी से। बाय ओल्ड बुक। ये है गोलू और ये है शर्मा जी। हेलो शर्मा जी, क्या आपको पता है? हाँ गोलू, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ। क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में दुनिया भर के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का कहना? सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला केवल आपसी दूरी नहीं, इसमें और कई दूसरे एहतियात हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए। क्या तुमको नहीं मालूम कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी पर जोर दिया जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिकी संस्थान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन ने हम सब से ये एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की अपील की है। और साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों से ऐसा करने को कहा है। अच्छा, आपको तो बहुत कुछ पता है शर्मा जी। आओ गोलू, तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। ओके शर्मा जी। वायरस को एक दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकना है। वो कैसे? मैं समझा नहीं। ओहो गोलू, चलो विस्तार से समझा लो। यदि हम किसी के साथ ज्यादा करीब सट कर बैठते हैं तो संक्रमित होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है और ना ही हमें एक साथ कहीं इकट्ठा होना है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा या मस्जिद, क्यों ना हो हम पूजा पाठ नमाज आदि सब घर पर ही करना। कम लोगों के संपर्क में रहेंगे तो खतरा उतना ही कम होगा।
तो क्या किसी से बात भी ना करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस हमें 1 मीटर की दूरी रखनी है और हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना है। मास्क को मुंह पर लगा कर रखना है और जितना हो सके हमें भीड़ से दूर रहना है। इन संक्रमित से दूर रहना है या लक्षण आने के 24 घंटे पहले से दूरी बनाकर रखनी जरूरी है। क्या ये जरूरी है? हाँ, ये बेहद जरूरी है। यही सोशल डिस्टेंसिंग है, खुद को संक्रमित होने से बचाना। संक्रमित के खांसते छींकते वक्त आसपास बिल्कुल ना रहें। लेकिन खांसी या छींकना नॉर्मल भी तो हो सकता है। लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए हमें सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने के लिए क्या करें? इस वायरस से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर रखें। खांसने या छींकने के दौरान फौरन हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें। ओहो शर्मा जी, ये बात सही है, फिर अब से मैं ध्यान रखूंगा। चलो आगे समझते। रोगी से जुड़े कोई सामान उसके कमरे के डोर हैंडल ना छूए। क्यों, उससे क्या होगा? कोरोना का वायरस आपके शरीर में तभी पहुंच सकता है जब ये आपके आंख नाक मुंह में पहुंचे। संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से ये वायरस उसके कपड़ों और उसके छूने से उसकी चीजों में वायरस फैल जाता है। उन चीजों के छूने से हमारे हाथों पर और हाथों से हमारे कपड़ों एवं नाक मुंह आग के रास्ते हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। ओहो, तो फिर तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है हम सबको। सबसे जरूरी एवं अंतिम बात, क्या रह गया शर्मा जी समझाने को? संक्रमित के संपर्क में आ गए हैं तो चेहरे को बिल्कुल ना छू। अब इस बार मैं बताता हूं जो मैंने समझा है। अब जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैल जाते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि हम किसी ऐसी जगह को छूते हैं और फिर उसी हाथ से अपनी आँख नाक मुंह को छूते हैं तो ये कण हमारे शरीर में पहुँचते हैं। क्या बात है गोलू, तुम बहुत जल्दी समझ गए। नहीं नहीं, अभी तो रह गया है और है जो मैं औरों को समझा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे और क्या जाना तुमने? ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना है, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को ना छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या बात गोलू, तुम तो बहुत अच्छे से समझ गए हो।
अब मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रखो। चलो गोलू, ये भी अब तुम ही बताओ हमारे दर्शकों को कि हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसी में लक्षण देखें तो 1.5 मीटर से अधिक दूरी बनाकर रखें। बीमार हैं तो दूसरों से दूर रहें, यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाथ को साबुन और पानी से नियमित धोते रहें और कम से कम 20 सेकंड अच्छे से रगड़कर खाने से पहले साफ करें। सांस से आने के बाद हाथ को अच्छे से रगड़कर साफ करें। खांसते छींकते वक्त मुंह पर कपड़ा लगाएं, टिश्यू कूड़ेदान में डालें। जनहित में जारी, जानिए कुछ बहुत ही जरूरी टोल फ्री नंबर के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए और आपकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी कोरोना सहायता केंद्रों के नंबर जो इस प्रकार है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.